छीन टपाक डम डम। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज के हम लोग दिन की शुरुआत हो रही है हनुमान चालीसा से। क्या बात है, क्योंकि ट्यूसडे है आज और ट्यूसडे को हनुमान चालीसा सुनना चाहिए जो कि काफी अच्छा रहता है। बाकी अभी हम लोग चलते हैं थोड़ी देर में कॉलेज। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, आज है हम लोग का ट्यूसडे और ट्यूसडे को हम लोग का क्लास तो वैसे ज्यादा है नहीं, क्योंकि गिन के चार ही क्लास है हम लोग का, दो सुबह में और दो लंच के बाद। मतलब कि ऐसा पता नहीं क्यों है, डायरेक्ट एक ही साथ करवा देना चाहिए चारों। ये स्कॉलर्स के बारे में भी कुछ सोचो भाई, उन लोग के बारे में कुछ सोचा करो। मतलब कि दो क्लास पहले है, अभी चलेगा, जाऊंगा तो दो, फिर तीन पीरियड खाली है, फिर उसके बाद दो क्लास चलेगा लंच के बाद। पता नहीं ऐसा टाइम टेबल क्यों ही बनता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा पूरा मुझे डे स्कॉलर्स के लिए लगता है भाई, वो लोग उतना दूर से आते हैं, फिर वेट करते हैं, कई कई बार मास बंक हो जाता है तो बेचारों को एक भी क्लास नहीं कर पाते, जैसे कल सनी भाई। खैर क्या ही कर सकते हैं, अभी हम लोग चलते हैं नीचे, देखते हैं आज नाश्ता वगैरह क्या है, नाश्ता वगैरह करके फिर चलते हैं कॉलेज, दो तीन क्लासेस अपना करके। भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग चल रहे हैं कॉलेज और यहाँ पे गलती हमसे ये हो गया कि हम लोग गलती से ये वाला रास्ता चुन लिया है। मुझे लगा कि ये शॉर्टकट होगा तो इसलिए ये मैं चुन लिया हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, तुम लोग पूरे रास्ते में कीचड़ लगा हुआ है और अभी जब इतना दूर आ ही चुके हैं तो अब इसी रास्ते से जाना पड़ेगा और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ लगा है दोस्तों। चलो इसी से चलते हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल। जी हाँ दोस्तों, अपना दो क्लास चला उसके बाद आ चुके हैं हॉस्टल, क्योंकि अब क्लासेस नहीं है, लंच तक नहीं, लंच के बाद है, दो क्लास है, लेकिन देखो कितना चलता है कितना नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है ना कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा। टीचर अलॉट तो वैसे दोनों के हो गए, बाकी देखो कितना होता है कितना नहीं। बाकी आज भी हम लोग आ रहे थे हॉस्टल में, लेकिन आज नहीं आ पाए मेरे दोस्त लोग, मतलब कि कुणाल भाई, सनी भाई, ये लोग नहीं आ पाए लोग, उन लोग को नीचे पकड़े गए, इसीलिए क्या गुंडा बनेगा रे तू। इसलिए जूनियर्स कोई भी ट्राई मत करे अपने दोस्तों को ले आने का हॉस्टल में, भाई रिस्की है थोड़ा, ठीक है, पकड़े जाएंगे तो वापस जाना पड़ता है, फाइन वगैरह नहीं लगता है, वापस जाना पड़ता है, तो इसलिए ट्राई नहीं करना चाहिए। बाकी यही सब कुछ फ़ायदे हैं हॉस्टल में रहने के भाई, जैसे मान के चलो क्लासेज नहीं चल रहा, आराम से हॉस्टल में आ जाओ, यहीं पे रहना है मस्त, जब मास बंक करना है तब आ जाओ। डे स्कॉलर्स वालों का दिक्कत होता है भाई काफ़ी ज़्यादा, उन लोगों के बारे में सोच के ही, और बस वालों का तो और दिक्कत होता है भाई, चार बजे तक उन लोगों को रुकना पड़ता है। डे स्कॉलर वाले फिर भी चले भी जाते हैं जो ऑटो से जाते हैं, काफ़ी ही दिक्कत होता है उन लोगों को। खैर हम लोग हम तो हॉस्टल में रहते हैं भाई, खाना का थोड़ा समस्या होता है, लेकिन बाकी सब सुविधाएँ हैं हॉस्टल में, खाना को थोड़ा अगर इग्नोर कर दिया जाए तो बाकी कुछ कुछ सुविधाएँ तो है ही हॉस्टल में। बाकी ठीक है, अभी हम लोग आए हैं, अभी थोड़ा देर में देखो चलते हैं क्लास करने की, नहीं क्योंकि मन नहीं कर रहा है, तबीयत खराब हो गया दोस्तों। हाँ अभी एक हफ्ता हुआ नहीं आया और तबीयत खराब हो गया, सर्दी खांसी। बाकी देखो जाते हैं कि क्लास करने की नहीं, मन तो नहीं कर रहा है, लैब है जाना पड़ेगा, देखो क्या होता है क्या नहीं। One hour later. फाइनली हम लोग चल रहे हैं कॉलेज और जो अपना क्लास बचा था वो कर ले, जाने का मन तो नहीं था क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था, लेकिन अब ठीक हो गया तो अब सोच रहे हैं कि कर ले जाके। एक क्लास का तो टाइमिंग बीत चुका है, एक ही क्लास, एक लैब कम से कम कर ले, वो हो जाएगा तो अटेंडेंस वगैरह का इशू, क्योंकि लैब में थोड़ा दिक्कत होता है, बाकी प्रॉक्सी लग ही जाएगा, लेकिन चले जाएंगे तो भी ठीक रहेगा। और ना खाना भी नहीं खाएं क्योंकि मन नहीं कर रहा, एकदम तबीयत तो एकदम ख़राब हो गया भाई, इतना धूप में आने जाने की वजह से शायद से। खैर चलो अभी कल चलते हैं कॉलेज, देखा जाए एंट्री मिलता है मुझे क्लास में कि नहीं, क्योंकि लेट जा रहे हैं ना। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो भाई लोग अभी हम लोग चल रहे हैं कॉलेज और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा धूप है, मतलब इतना ज़्यादा धूप में कॉलेज जाने की वजह से मेरा हो चुका है तबीयत ख़राब। और यहाँ थोड़ा आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि गला बैठ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो अब हम लोग चल रहे हैं कॉलेज और मैं तो चाहता हूँ कि मेरा दोनों क्लासेज चले, क्योंकि दोनों क्लास चलेगा तो अटेंडेंस मिल जाएगा और अटेंडेंस इज कंपलसरी। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग का क्लास वगैरह ख़त्म हो चुका है तो अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली हॉस्टल। और ये देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर का कुछ यही सीन है, अभी चलो रूम पे चला जाए। सो भाई लोग फाइनली हम लोग क्लास वगैरह करके आ चुके हैं और ज्यादा क्लासेस नहीं थे, अपने दो ही क्लासेस थे, एक तो बस 10 मिनट के लिए अटेंड करने गए थे कि अटेंडेंस मिल गया उसमें, और वैसे भी उसका पहला दिन था तो ज्यादा कुछ छूटा नहीं हमारा। और बाकी दूसरे में तो काफी मुश्किल से एंट्री मिला है, क्योंकि गलती से हम जीन्स पहन के चले गए थे तो उसमें काफ़ी मुश्किल से एंट्री मिला। खैर वो भी हो गया, मतलब कि अपना दोनों क्लास हो गया, अब फाइनली हम लोग आ चुके हैं हॉस्टल और अब जा रहे हैं सोने, क्योंकि तबीयत सच में ख़राब लग रहा है भाई। और देखेंगे अगर शाम को कहीं निकलना होगा तो निकलेंगे, बाकी वरना रात में खाने खाने तो जाएंगे। बाकी ठीक है, मिलते हैं बाद में।
hours later. So भाई लोग फाइनली हम लोग उठ चुके हैं, तो 3 घंटा सो के, और क्या कहते हैं कि तबीयत और ज्यादा खराब हो गया, तो अब हम लोग दवा ले चुके हैं. और अभी प्लान था कहीं बाहर जाने का, लेकिन बारिश हो रहा है इसलिए बिगड़ गया. और बारिश ऐसा हो रहा है कि धूप उगा है फिर भी बारिश हुआ है हो रहा है. खैर क्या ही कर सकते हैं. अभी तो हम लोग उठ चुके हैं और दवा वगैरह लिए, तो अब थोड़ा आराम हो सकता है. बाकी अभी देखते हैं, अगर बारिश रुकता है तो बाहर चलते हैं, क्योंकि कुछ तो खाना है. आज नाश्ते में वड़ा पाव था, जो कि काफ़ी बकवास होता है, इसलिए कैंटीन ही जाना पड़ेगा. और अभी देखते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं. सो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बरसात हो रही है जो कि धूप में हो रही है. पता नहीं ऐसा कैसे हो सकता है. बाकी बरसात रुक जाइए तो हम लोग चलेंगे बाहर, क्योंकि दिन से कुछ नहीं खाया है. और यहाँ पे देख सकते हो भाई लोग, फाइनली बारिश रुक चुकी है, तो हम लोग चल रहे हैं. और यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा ही बारिश हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था. मतलब कि इसके वजह से उमस अलग हो गया इस बारिश की वजह से. पता नहीं ऐसा बारिश क्यों होता है. बाकी यहाँ पे देख सकते हो हम लोग बाहर आ चुके हैं थोड़ा, क्योंकि खाना पीना है. और यहाँ पे देख सकते हो छोटे मोटे पौधे लगाए जा रहे हैं भाई. ये हो रहा था, मतलब अब समझ में आया कि यहाँ पे हो क्या रहा था. और हम लोग चल रहे हैं इधर, क्योंकि इधर ही है दुकान छोटे मोटे, जहाँ की आपको नूडल्स मिल सकते हैं, चाउमीन और मोमोज वगैरह, और ब्रेड वगैरह भी इधर मिल सकता है. बाकी अब हम लोग अपना सामान जितना लेना था ले लिए हैं. अब हम लोग वापस चल रहे हैं हॉस्टल, और अब ऊपर चल के व्लॉग भी अपलोड करना है. बाकी यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा देर हम लोग हॉस्टल के बाहर बैठे हुए हैं, क्योंकि इतना क्योंकि अब आराम आराम से चला जाता है ना, यू नो, ये सब हेल्थ के लिए अच्छा होता है आराम आराम से चलना. बाकी अब ऊपर चल के हम लोग अपना व्लॉग अपलोड करते हैं पीछे. तो भाई लोग फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं हॉस्टल. और वैसे तो हम लोग रुक सकते थे कि खा पी के डायरेक्ट आते, लेकिन फिर मुझे वीडियो अपलोड करना था, इसीलिए हम लोग आ चुके हैं. और अब वीडियो अपलोडिंग पे लगा दिए हैं, देखो कितने देर में हो जाता है. वाईफाई है तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट लग जाता है. आजकल स्पीड थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, शायद से बच्चे ज़्यादा हो गए हैं इसलिए स्पीड स्लो चल रहा है. और अभी थोड़ी देर बाद फिर नीचे चलेंगे खाना पीना खाने. आज देखो क्या होता है क्या नहीं. आज वैसे ट्यूसडे है तो छोला भटूरा होना चाहिए. बाकी तो भाई लोग फाइनली न्यू व्लॉग आ चुका है, आप सभी जाओ चेकआउट करो और शो सम लव टू द व्लॉग, लाइक करो सब्सक्राइब करो. बाकी अभी हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में. और भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग का है छोला भटूरा. और अब हम लोग चल रहे हैं खाना पीना खा के बाहर, क्योंकि टहलना इज़ इम्पॉर्टेंट. भले ही आप एक छोला भटूरा खाए हो, लेकिन टहलना इज़ इम्पॉर्टेंट. और चल रहे हैं कैंटीन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होता है बस. और दुख की बात यह है कि कैंटीन में भी कूलर नहीं चल रहा है, तो हम लोग यहाँ बीबीसी में बैठे हुए हैं. अब वापस चलते हैं हॉस्टल. A few moments later. तो भाई लोग फाइनली हम लोग खाना पीना खा के आ चुके हैं. बाकी आज हम लोग का छोला भटूरा था, जो कि हम एक से ज़्यादा नहीं खा पाए, क्योंकि जान ही रहे हो तबीयत खराब चल रहा है. और किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा खराब, तबीयत तो खराब, मतलब किस्मत तो खराब था ही, अब तबीयत भी खराब हो चुका है. और किस्मत इतना खराब है कि मतलब मैस में जितने देर हम खाना खाए उतने देर लाइट कटा हुआ था. जैसे हम खाना खा के अपना बर्तन रखे तभी तुरंत लाइट आया. फिर हम कैंटीन गए, सोचे कूलर में बैठ जाए क्योंकि हवा तो बहता नहीं यहाँ पे, तो कैंटीन गए हैं कि कूलर में बैठने. तो जैसे हम अभी एंट्री करने वाले हैं, कूलर बंद हो गया है. मतलब इतना बुरा किस्मत लेके पैदा कोई कैसे हो सकता है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. बाकी यहाँ पे हवा तो बिल्कुल नहीं चल रहा है भाई, मतलब बारिश होने के बाद भी इतना गर्मी हो रहा है कि क्या ही बताए भाई. मतलब कि अगर 2 मिनट तुम बाहर कहीं बैठ जाओगे ना, पूरा हाथ वाथ पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है. कैंटीन में बैठे हुए तब पूरा पसीना पसीना हो जा रहा है भाई. बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है और बारिश होने के बावजूद इतना गर्मी पड़ रहा है. खैर क्या ही कर सकते, गर्मी तो पड़ना ही है. और अब ओरिएंटेशन वगैरह भी होगा, इतने ही गर्मी में उतनी ओरिएंटेशन होगा, फ्रेशर्स आएंगे. पिछले साल हमको याद है, हम भी इतने ही गर्मी में हुआ था, मेरा भी प्रोग्राम गए थे. कुछ पिक्चर वगैरह दिखाया गया था, कौन सा छिछोरे पिक्चर दिखवाया गया था, हाँ. और कुछ इवेंट वगैरह, यही सब ओरिएंटेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता, यही सब होता है. बाकी ठीक है, जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं अब हम, मुझे लग रहा है कि बच्चे आने शुरू भी हो गए, क्योंकि आज मैं कैंटीन में गया था तो देखा था काफ़ी नए नए चेहरे देखने को मिल रहे थे. तो अब मुझे लग रहा है कि फ्रेशर्स आने शुरू हो गए. बाकी इतना पहले आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 तारीख से शुरू होगा और ओरिएंटेशन अटेंड करना इज़ नॉट कंपलसरी, क्योंकि उसमें कुछ काम की चीज़ें नहीं होती हैं. शुरुआत के 1 सप्ताह मैं भी नहीं किया था, तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं. 15 के बाद क्लासेस चलेंगे तो आ सकते हैं, वरना एज योर विश इवेंट कम ही होते हैं कॉलेज में, और इवेंट में रहना चाहिए क्योंकि इवेंट्स वगैरह कम होते हैं, और इवेंट्स में रहोगे तो अच्छा वगैरह लगेगा. बाकी ठीक है गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में.
तब तक के लिए सब्सक्राइब करें और बाय बाय गाइस।